सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीन प्रकार के ताप होते हैं, कौन से तीन प्रकार के ताप? तो कहा एक है दैवी, दूसरा है भौतिक और तीसरा है दैहिक, जो शरीर द्वारा ताप है उसको कहते हैं दैहिक। और जो देवता द्वारा हमें ताप मिलता है उसे कहते हैं दैविक और भौतिक, संसार के ताप। और महाराज ये तीन प्रकार के ताप से बचने के लिए तीन प्रकार के पाप से भी बचिए। ताप का मतलब तो आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे? दैहिक, दैविक, भौतिक। देखिए दैहिक का मतलब होता है हमारे पास सब कुछ है, धन धान्य संपदा सब कुछ है, फिर भी ये शरीर कभी रोगी हो जाता है, कभी वृद्ध हो जाता है, इसे कहते हैं दैहिक। और दैविक मतलब आपके खेत में बढ़िया सुंदर फसल आया है और आपने सोचा इस वर्ष तो अच्छा फसल आएगा, बढ़िया बेचेंगे मोतिहारी में जाकर के। हाँ, फिर रात में इतना बारिश हुआ, आपका फसल पूरा नाश हो गया, इसे कहते हैं दैविक प्रकोप। और भौतिक, अपने पास सब कुछ होने के बाद भी दूसरों से जलन भाव, सब कुछ है लेकिन कभी भी खुशी नहीं, खुश नहीं, शांति नहीं, असंतुष्ट है, यह है भौतिकता। और तीन प्रकार के पाप मैंने जो कहा, तीन प्रकार के पाप क्या है? मनसा, वचसा और कर्मणा। मन से दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये हुआ मन द्वारा पाप। बाड़ी से दूसरों के बारे में गलत बोलना, ये हुआ बाड़ी द्वारा पाप। और तीसरे नंबर में कर्मणा, आपने ऐसा कार्य किया जिस कार्य से दूसरों को नुकसान हुआ, दूसरे के प्रति आपने गलत करने का सोचा और किया, उसको कहते हैं कर्म से पाप। देखिए आप इन तीन पापों से बचेंगे तो तीन ताप से भी बच जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना।